ग्वालियर उपनगर मुरार पुलिस ने एक शातिर चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी भागने में सफल हो गया। खास बात तो यह है कि आरोपियों में एक महिला चोर भी शामिल है, जो अपने पति और उसके दोस्त के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थी। पुलिस को फिलहाल इन चारों से तीन नकबजनियों का खुलासा करने में मदद मिली है। दरअसल मुरार पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ा गांव हाईवे पुल के पास एक पैनासोनिक कंपनी का टैबलेट लेकर कोई व्यक्ति उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। सूचना पर पुलिस की एक टीम बड़ा गांव हाईवे पुल के पास पहुंची और संदिग्ध युवक को दबोच लिया। आरोपी द्वारा बताया गया कि वह अपने एक साथी और उसकी पत्नी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। मुरार थाना प्रभारी द्वारा अपनी टीम बनाई जाकर लगातार चोरी और नकबजनी के संबंध में विवेचना की जा रही थी, और उसी तारतम्य में कल सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति टैबलेट पैनासोनिक कंपनी का टैबलेट बेचने की फिराक में है। तो उस व्यक्ति को पकड़ा और पूछताछ करने पर उसने चोरी का होना बताया, और जब विस्तृत पूछताछ की गई और मेमोरेंडम लिया गया तो उसने अपने एक दोस्त और उसकी पत्नी को भी इन्वॉल्व होना बताया। तो उसमें दोस्त फरार हो गया, उसकी पत्नी मिल गई, तो दोनों से पूछताछ कर मेमोरेंडम के आधार पर मुरार थाने की तीन नकबजनियों का खुलासा हुआ, जिसमें लाखों रुपए का माल, एलईडी, दो एलईडी, एक वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर और काफ़ी सामान बरामद किया गया, और पूछताछ की जा रही है अन्य मामलों में। एक आरोपी फरार है, इसमें मेन आरोपी जो है वो फरार है अभी, और बाकी के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है।